आधा घंटा है पहुंचने के लिए। ये तो हॉलीवुड का साइन दिख रहा है। तू बता दे कहां पर है हम लोग। Hi guys, Ron Vardhi here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और हम यहाँ से हमारे बैग पैक करके निकल चुके हैं, मतलब मैं निकल चुका हूँ और मुझे छोड़ने आ रही रेशमा जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और कहाँ जा रहा हूँ ये आपको जब मैं वहां पहुंचूंगा तो ही पता लगेगा। आप लोगों को मेरी वीडियो में रुकाने का इससे अच्छा रीजन मैं दे नहीं सकता। गुड फील बैड, जस्ट कीप वॉचिंग। रेशमा का बताना था डंकिन डोनट, याद ही आ रहा भाई। यहाँ कौन सा डंकिन डोनट लेके आए थे को मैप? अब ये इनका गलत है, टर्मिनल बी पे बोला, अभी बोल रहे हैं टर्मिनल ए पे जाओ। तो अगर मैं लेट हो गया तो इनकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं इसीलिए आधा घंटा ग्रेस पीरियड पकड़ के चल रहा था ताकि लेट ना हो जाऊं। लेट्स सी जेट ब्लू काउंटर। टिकट तो आ गई थी बट उसके साथ अगर बैग चेकिंग करना है तो आपको $35 एक्स्ट्रा भरने पड़े मुझे। आपको बताऊं, मैं ना सुबह 7 बजे से पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी और सुबह सुबह उठ के मैंने थोड़ा सा खाया और वापस सोने का ट्राई किया बट फिर भी सो नहीं पाया। शायद मैं पूरी रात में 1 घंटा सोया रहूँगा। गेट नंबर 30 पे जाना है। राइट फुल है, जगह नहीं है भाई। और बीच में जगह मिली है। तो भाई रात को तो सोया नहीं था तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सो जाऊं। और अभी बज रहे हैं 4:30 से पहले मेरी फ्लाइट लैंड होने वाली है तो थोड़ा सा सोता हूँ क्योंकि रात को तो सोया नहीं। और अब मैं तो चला सोने के लिए भाई। आधा घंटा है पहुंचने के लिए। पहुंचने के बाद अपने लिए एक गाड़ी वेट कर रही है, वो गाड़ी देखने लायक है। इस ट्रिप में हम काम भी करेंगे और एंजॉयमेंट भी करेंगे। ये तो हॉलीवुड का साइन दिख रहा है, मेरा प्लेन यहाँ है और मुझे यहाँ उतरना है। ये बड़ा जोर का झटका दिया पायलट ने। थैंक यू। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने अकेले ऐसा ट्रैवल कब किया था। अभी यहाँ पर बैग्स का वेट हो रहा है, आ जाएंगे बैग्स अभी। भाई अपना बैग तो आ गया। बढ़िया भाई, साइड हो जा, साइड हो जा, सब लोग साइड हो जा, यही है ना। यहाँ से निकलते हैं। अभी आपको किसी एक खास इंसान से मिलाना है, वो जो मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनको मैंने बता दिया था गेट नंबर मेरा 4315। हाँ यही बोला मैंने, अभी मैसेज चेक करना पड़ेगा। प्लेन का मैंने अच्छे से शॉट लेना था टेक ऑफ करते हुए। मैंने अपना कैमरा वहाँ पर लगाया था छोटा वाला बट वो उसकी गम निकल गई और नीचे गिर गया। और पूरी फ्लाइट में मैं बैठा रहा, उसका वेट करता रहा वो लेडी उठेंगी और मैं देखूँगा। वो एक बार उठी बट फिर भी नहीं मिला। आस्ट में एंड में जाके मिला मुझे और पीछे वाली सीट तक पहुँच गया था और बच्ची ने मुझे दिया कि आपका कैमरा ठीक है। वो सब छोड़ो प्लीज, आप लोग को पता लगा कि नहीं पता लगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ? बहुत लोग को पता लग गया रहेगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता लगा रहेगा। बताऊंगा आप लोग को, जिनको पता लगा कमेंट करके बताना, जिनको नहीं पता लगा फिर भी सच्चाई से यहाँ तक देखी है तो नहीं पता लगा तो कमेंट करके बताना कि नहीं पता लगा। तो यहाँ पर पहुंच गया और अभी लेने आया रफीक लेने आया। हम लोग जब फ्रेडरिक में मिले थे मोहसिन के बर्थडे पे, रफीक आया था, याद है कि नहीं? जिन जिन को याद है प्लीज कमेंट करके बताना। स्नो डे। और एक मिनट, और गाड़ी क्या लेके आया है वो बता दे तू अपनी।
कौन सी गाड़ी है? Mercedes 2020. इस गाड़ी का दर्शन आप लोग को अच्छे से कराऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आ गए ना तो बैठ बच जाएगी. Long time no see. Long time, very long time. Yeah, I was in Frederick. You left us. क्या हुआ कि पेंडेमिक आ गया, सब लोग हम लोग न्यू जर्सी मूव हो गए, you know. Then I had a trip for 2 days in New York 2 months ago. I wanted to hit you up, but I got busy with my brother and other works. I was like, you might be busy too. अभी सब लोग को बताया नहीं है कि मैं कहाँ पर आया हूँ, तू बता दे कहाँ पर है हम लोग अभी. Wait, you haven't told them? No, I haven't told anybody here on camera. Let them see it then. देखो भाई ये भी बताने को मना कर रहा है, अभी ये बोल रहा है कि सब लोग को देखने दे. I mean, they have to get the idea of the dropped up thing. Yeah. I mean, it's warm weather here. It's not like New York or New York. Yeah, okay. तो रफीक मेरीलैंड में रहता था, फ्रेडरिक में साथ में हमारे, मतलब साथ में नहीं रहते थे, आजू बाजू में रहते थे. और कुछ टाइम हुआ है यहाँ पर मूव किया और उसने अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा. तो रफीक, आर यू एक्साइटेड? आई एम रियली रियली एक्साइटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू आर हियर, एंड द सेकंड, या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस न्यू एडवेंचर दैट आई एम गोना हैव. आई मूव्ड फ्रॉम फ्रेडरिक हियर. बारिश आने लग गई भाई, इसको डाल दे ऊपर. गो गो. अच्छा, ये आ रहा है इसीलिए सुपर ना. नहीं बंद होएगा? It's gonna close, but I have to be really slow. See? एक्चुअली मोहसिन के साथ में आने वाला था, बट मोहसिन नहीं आया, लेकिन मैं आ गया. और मोहसिन को बताया नहीं है मैंने. You didn't tell him. नहीं, I didn't. उससे कितना टाइम से बात ही नहीं हुआ. वो वीडियो देखेगा, अगर उसने वीडियो देखा उसको पता लगा ना यार. तो रे भाया, you guys tell him, you're not gonna tell. तूने भी नहीं. ओके, ये रहा रफीक का मेंशन यहाँ पर. एंड मैं रफीक की गाड़ी लेके अभी जा रहा हूँ मेरे होटल जाके वहाँ पर मिलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ये गाड़ी भाई BMW है, अभी मैं चला के कैमरा लेके चलाऊंगा नहीं, तो आपको सीधा मैं अपने होटल में मिलूंगा. और रात को अपन कुछ प्लान करते हैं, नहीं हुआ रात को तो फिर कल को प्लान करते हैं. जस्ट लेट मी नो व्हाटएवर द प्लान इज. या आई हैव द कीज इनसाइड. फाइनली गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, गाड़ी का एक प्रॉपर टूर आपको दूंगा जल्दी ही. चलो भाई, फाइनली सब होगा, होटल टूर होगा, रूम टूर होगा, सब मिलेगा. और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं पहले रूम में चेक इन कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना. अभी आप लोग को मैं रूम टूर दे ही देता हूँ. ये रूम में एंटर किया, सोफ़ा, टीवी, चेयर टेबल, कॉफ़ी, पानी, टीवी, बेड, दो बेड हैं. और This is the bathroom. That's me. मेरी ना हालत आज खराब है. अभी आप लोग को तो पता है, एक बार मैं ऐसे बात करके बताऊंगा, एक बार मैं सिनेमैटिक तरीके से दिखाऊं. तो देखो, सारी चीज के दर्शन कर लो और कल मैं आप लोगों को प्राइसिंग के साथ सब कुछ बताऊंगा. चलो बाहर जाके कुछ खा के आते हैं. अरे यार, ये तो बारिश होने लग गई. ये क्या मजा किड़गड़ा करने के लिए बारिश कहाँ से आ गई भाई? ठंड छोड़ के यहाँ पर भाग भाग के आए, यहाँ बारिश आने लग गई यार. What the hell? और गाड़ी मैंने दूर पार्क की है. पता है यहाँ के लोग क्या खा रहे हैं? कच्ची सब्जियां और सॉस. क्या क्या खा रहे हैं बताता हूँ. ये सारा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, गाजर, सेलरी और कच्ची फूल गोभी. मैं भी खाऊंगा कच्ची फूल गोभी सॉस के साथ. तो आज क्या है कि मुझे मेरा रूम गंदा नहीं करना है, साफ से रखना, क्योंकि कल आपको प्रॉपर टूर दूंगा. वैसे भी मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया और मेरा ना लग गया रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ. नहीं पता लगा तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी आया हूँ मायामी में, फ्लोरिडा में.
तो ये ना ये जो गेम वेम खेलना ना मुझे आई एम नॉट दैट गुड एट इट, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि आप लोग को थोड़ा ऐसा रुका के रखूँ जब तक रुका सकता हूँ। अभी क्या यहाँ पर फ्लोरिडा में आए हैं तो स्विमिंग पूल का मजा तो लेना ही चाहिए, तो सोच रहा हूँ गोप्रो को लेके स्विमिंग पूल में जाता हूँ, बट उससे पहले इसको मैं अच्छे से धो लेता हूँ। तो यहाँ Oh my god. This is good. देखो भाई पहला दिन है और मुझे सोच समझ के जो भी करना है करना है, बट मैं यहाँ से गुजर रहा था नाश्ता करके, तो मैंने बोला कि नाश्ता हजम हो जाएगा और उसके बाद रात को दबा के खाया जाएगा, तो इसलिए डिसाइड किया कि यहाँ पर आते और स्विमिंग करते हैं। लास्ट ईयर जब हम लोग ड्राई टॉर्टोगास गए थे की वेस्ट, तब मैंने वहाँ पर समुद्र में ओशन में स्विमिंग की थी, उसके बाद आज कर रहा हूँ। बहुत ये पानी उतना क्लोरीन वाला नहीं लग रहा है, अच्छा एकदम क्लीन है, मज़ा आ रहा है। यार स्विमिंग करके बड़ा मज़ा आता है, कल रात को सोया नहीं अच्छी तरह, तो आज सोचा कि स्विमिंग कर लूँगा ना तो रात को अच्छी नींद आ जाएगी। अभी करना क्या है, बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, ये वाली फुटेज भी निकाल के डालूंगा, ये भी अपलोड कर दूंगा डाल के। स्विमिंग की है तो भूख तो लगी थोड़ी सी, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, इधर आजू बाजू में देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ और वहाँ पर बैठ के आराम से, आज फ़ोन रखूँगा बाजू में, कैमरा लेके जाऊँगा, कैमरे से थोड़ा शूट करूँगा और बैठ के आराम से, इट्स मी टाइम।